हाय व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हमने लिया है 400 ग्राम पनीर, जिसे हमने बड़े बड़े पीसेस में इस तरीके से काट लिया है। ये देखिए, एक कप फुल भर के हमने लिया है दही, 2 टेबलस्पून सरसों ऑयल, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 कप हमने ली है फ्रेश क्रीम, 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जिसे हमने बड़े साइज में काट कर इस तरीके से अलग कर लिया है, 2 मीडियम साइज की हमने शिमला मिर्च ली है जिसे हमने इस तरीके से स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, हमें चाहिए गरम मसाला और 1/2 लेमन, इसका हम जूस यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पनीर टिक्का बनाना। सबसे पहले दही के बाउल के अंदर हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे, साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल, सरसों ऑयल, 1/2 लेमन जूस, सभी मसाले। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम पनीर के टुकड़ों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। और हल्के हाथों से इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे ताकि पनीर के टुकड़े टूट ना जाएं। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और शिमला मिर्च, इसे भी मिक्स कर देंगे। सॉरी व्यूअर्स, हम बताना भूल गए थे, 1.5 टेबलस्पून हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पनीर को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख के छोड़ देंगे। 2 घंटे में पनीर बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। हमने स्क्वायर्स भी 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिए थे, ऐसा करने से स्क्वायर्स जलते नहीं हैं। अब हम एक स्क्वायर लेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे शिमला मिर्च का एक पीस, फिर प्याज का, फिर इसके ऊपर पनीर का टुकड़ा रखेंगे, फिर शिमला मिर्च और प्याज। इस तरीके से सेट कंप्लीट करते हुए सभी पनीर के टुकड़ों को हम स्क्वायर्स के ऊपर लगा लेंगे। इसी तरह बाकी के सभी पनीर भी स्क्वायर्स पर लगा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे स्क्वायर्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे पैन में डालकर फ्राई करेंगे। एक पैन हमने गैस के ऊपर रख दिया है, इसे अच्छे से अब हम ग्रीस करेंगे। हमारे स्क्वायर्स भी रेडी हो चुके हैं। अब 1 by 1 हम स्क्वायर्स को पैन के ऊपर रखेंगे। यहाँ हमने फ्लेम लो टू मीडियम रखी है। अब इसे टर्न करते हुए हम पकाएंगे। कुछ देर बाद हम पनीर को टर्न करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी तरह पनीर के बाकी सभी टुकड़ों को भी टर्न करते हुए हम पकाएंगे। हर थोड़ी देर बाद हम इसे टर्न करेंगे और चारों साइड से अच्छे से फ्राई करते हुए इसे पका लेंगे और हमारा पनीर टिक्का तैयार हो जाएगा। हमारा मज़ेदार मलाई पनीर टिक्का तैयार है व्यूअर्स। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।